हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अपिशता मैम। बच्चों, आज सैटरडे है और आज जो आपका टेस्ट है मैथ्स का, और मैक्सिमम मार्क्स है ये 24, ठीक है? यानी कि 24 मार्क्स का आपका टेस्ट ही होगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने हैं मल्टीप्लाई के। ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। -4, 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है +3 से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -6, 3 में मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 82 में आपको मल्टीप्लाई करना है -3 से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको करना है एडिशन। ओके, एडिशन में आपको मैंने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। पहला है आपका -6, 4 में आपको मल्टीप्लाई कर ऐड करना है +32, यानी -64 में आपको ऐड करना है +32। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा +84 में ऐड करना है आपको +62। थर्ड क्वेश्चन -64 में आपको ऐड करना है -22। फोर्थ क्वेश्चन है आपका +43 में आपको ऐड करना है -26। ओके बच्चों, तो ये एडिशन के क्वेश्चंस, वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्ट करना है -84 है, -84 में +37 सब्ट्रैक्ट करना है, +94 से +73 को सब्ट्रैक्ट करना है, -22 से हमको +64 को सब्ट्रैक्ट करना है, और +82 से हमको -32 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पेपर राइट कर लीजिए। अब आप देखिए बच्चों, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई में पहले, उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिया है एडिशन में, फिर मैंने 4 क्वेश्चन आपको ये दिया है सब्ट्रैक्शन में। तो टोटल आपके हो गए कितने क्वेश्चन, 4, 4, 8 और 4, 12 क्वेश्चन है आपके, जो कि 24 मार्क्स के टोटल ही आपके क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब इसको आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पेपर आपने लिख लिया है, यहाँ पर वीडियो को रोक दो और सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको जो सोल्यूशन मिलेगा, इसका आंसर सेट मिलेगा, उससे अपने आंसर को आपको चेक करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका आंसर शीट। ये रहा आंसर शीट, और इससे आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस के आंसर को आपको चेक करना है। फर्स्ट वाले का आंसर है -26, 126। सेकेंड वाले का आंसर है हमारा -252। थर्ड वाले का आंसर है -246। और फोर्थ वाले का आंसर है +32। ये हमारा मल्टीप्लाई का आंसर है, अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे सबको 2-2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा है बच्चों एडिशन। एडिशन में आपका आंसर आएगा -32, +146, -86 और +17। यदि आपके आंसर सही हैं तो देंगे 2-2 मार्क्स। और लास्ट वाले का बच्चों है, यहाँ हमने साइन चेंज किया है, प्लस को हमने माइनस कर दिया, ठीक है? और आंसर है हमारा -121। यहाँ प्लस को हमने माइनस कर दिया है, आंसर है हमारा +21। यहाँ प्लस को हमने माइनस कर दिया, आंसर है -86। यहाँ माइनस को प्लस में चेंज कर दिया गया है और आंसर है हमारा +114। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, यदि आपके आंसर सही हैं अपने आंसर को मैच करा लीजिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और आंसर को मैच करा लीजिए। ओके, यदि आपके आंसर सही हैं तो नीचे आपको जाना है कॉमेंट बॉक्स में, और जहाँ वीडियो चल रहा है उसके ठीक नीचे आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स। वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, अपना नेम लिखना है, क्लास लिखना है और कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। और कल बच्चों, आज सैटरडे है तो आज हमने मैथ्स का टेस्ट दिया, कल का टर्न है हमारा, कल संडे है। कल जिंदगी की स्टडी में एक शानदार आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और उससे हम क्या देखेंगे कि हमको क्या क्या उससे मैसेज मिलता है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।